कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सो गाइस, NCHMCT JEE 2023 का रिजल्ट आ चुका है। काउंसलिंग चली हुई है, फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है, सेकंड काउंसलिंग प्रोग्रेस में है, फिर थर्ड काउंसलिंग होगी एंड स्पॉट राउंड होगा और आपको IHM मिल जाएगा। बट कौन से IHM में आपको एडमिशन लेनी चाहिए? आजकल आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, सेंट्रल IHM एडमिशन लो, स्टेट IHM एडमिशन लो या प्राइवेट IHM एडमिशन लो, या बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये दिखाते हैं कि चलो आज इस कॉलेज का टूर करते हैं, टूर ऑफ दिस कॉलेज, यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज। तो ये जो आजकल जो आपको दिखाया जाता है चीज़ें, है ना, ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं आपके माइंड में, है ना, कि आप कौन सा IHM में एडमिशन लें। बहुत कन्फ्यूजन रहता होगा आपके ब्रेन में कि हमें कौन से IHM में जाना चाहिए। कई मैं सिंपल सा फंड आपको बता देता हूँ, है ना, मैं किसी IHM का नाम नहीं लूंगा, ना मैं किसी यूट्यूबर का नाम लूंगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये जो आपको कॉलेज के टूर करवाए जाते हैं वर्चुअल, है ना, या बहुत सारे कॉलेजेस की आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे, ये सारे वीडियोस गाइस स्पॉन्सर्ड रहते हैं, है ना। अब स्पॉन्सर्ड क्या है, मतलब कोई भी IHM किसी यूट्यूबर को अप्रोच करेगा कि भैया आप हमारे IHM के लिए ये वीडियो बना दीजिए, हम आपको इसके बदले में 20,000, 25,000 या 50,000 पे करेंगे, या फिर उनका कमीशन रहता है एडमिशन के अकॉर्डिंग, जितने एडमिशन होंगी उसका जो एडमिशन उनके यूट्यूब चैनल के थ्रू होंगी उतना कमीशन उनको दे दिया जाएगा। ओके, तो आप अडल्ट हैं, आप बड़े हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीजें मार्केट में हैं और जो हो रही हैं, है ना। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और आपको कौन से IHM एडमिशन लेनी चाहिए? ओके, कहीं जो मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, है ना, जो मेरा थंबनेल आपको दिख रहा होगा वहां पे सबसे टॉप पे है सेंट्रल IHM, उसके बाद है स्टेट IHM और उसके बाद है आपका प्राइवेट IHM, है ना। आपको एडमिशन लेते टाइम भी यही हायरार्की गाइस फॉलो करनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, है ना, और ये गाइस मैं अपने ऊपर ही, क्योंकि मैंने तीनों IHM का मेरे पास एक्सपीरियंस है। वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। प्राइवेट IHM से मैंने अपना होटल मैनेजमेंट किया था 2009 में, स्टेट IHM मैंने 3 साल जॉब की है, और अभी पिछले 8 साल से मैं सेंट्रल IHM शिमला में टीचर हूं। तो मेरे पास तीनों IHM का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे में गाइज आपको क्या करना चाहिए, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है गाइज, आपको किसी भी IHM में जाने से पहले उसकी हिस्ट्री थोड़ा सा आपको चेक कर लेनी चाहिए। हिस्ट्री में आप क्या चेक करेंगे, हिस्ट्री में आप चेक करेंगे उसकी प्लेसमेंट, IHM कितना पुराना है और IHM कौन सा है, कौन सा मीन्स सेंट्रल है, स्टेट है या प्राइवेट है। बात होती है मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर की, फैसिलिटीज की एंड प्लेसमेंट्स की। ओके, तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो सेंट्रल IHM है उनके पास फंड्स ज्यादा रहते हैं तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर गाइस आपको अच्छा ही मिलेगा, है ना। उसके बाद हमारे स्टेट IHM आएंगे और उसके बाद हमारे प्राइवेट IHM आएंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, किसी प्राइवेट IHM का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, सेंट्रल IHM से भी अच्छा हो। ओके, लेकिन देखिए लास्ट डिसीजन तो आपका ही होगा। मैं किसी प्राइवेट IHM को या किसी इसको यूट्यूबर को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको मार्केट में जो होता है वो आपको बता रहा हूं, है ना। आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप इस IHM में आइए, आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है उस IHM की वीडियोस दिखा दिखा के, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दिखा के, उसकी फैसिलिटीज दिखा दिखा के। लास्ट डिसीजन आपको लेना है, ओके, कि आपको कौन सा IHM चूज करना है। क्योंकि और सबसे बढ़िया तरीका होता है इनकी फीस को गाइज आप एक बार कंपेयर कर लीजिए। अगर आपको कोई IHM पसंद आ रहा है तो उसकी जो फीस है उसको सेंट्रल IHM से, स्टेट IHM से, है ना, एक बार कंपेयर करके देखो उनके हॉस्टल की फीस क्या है, उनके फर्स्ट सेमेस्टर की फीस क्या है और उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। ये चीजें गाइज आपको देखनी चाहिए एडमिशन लेने से पहले। एक और बात गाइज आपको मैं बता दूं, क्योंकि कोरोना के बाद हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हिट हुई थी, तो उसके बाद जो हमारी एडमिशंस हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे IHM की जो सीट्स हैं वो खाली रह रही हैं आफ्टर काउंसलिंग। ओके, तो किसी भी IHM को चूज करने से पहले, जो मैंने आपको कहा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको सेंट्रल IHM की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल IHM का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, है ना, पुराने IHM है वो नंबर दो, और उनका उनकी फंडिंग बहुत अच्छी है, उनके पास फंड्स काफी अच्छे रहते हैं। ओके, और उनकी प्लेसमेंट काफी अच्छी होती है। तो अगर आपको JEE की एग्जाम देने के बाद, काउंसलिंग देने के बाद भी आपको अगर अपना जो मनपसंद IHM नहीं मिला है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार इंक्वायरी करिए, है ना। देर आर 21 सेंट्रल IHM पूरे इंडिया में, 21 सेंट्रल IHM है। एक बार उनको इंक्वायरी करिए कहाँ पे कितनी सीट्स खाली है, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ था और होपफुली इस साल भी ऐसा होगा अनफॉर्चुनेटली, कि बहुत सारे इवन सेंट्रल IHM की सीट्स काउंसलिंग के बाद खाली रहने वाली हैं।
तो जो सेंट्रल IHM की सीट्स जो काउंसलिंग के बाद खाली रहेंगे गाइज, उनको वो IHM जो है डायरेक्ट एडमिशन से भरेंगे। वहां पे आपका JEE का रैंक मैटर नहीं करेगा, आप उनमें अप्लाई करेंगे और अगर वहां पे सीट्स होती हैं तो आपको गाइज डायरेक्ट एडमिशन वहां पे मिल जाएगी। तो आप एक बार ये भी देख सकते हैं, है ना, सेंट्रल IHM में इंक्वायरी करें, अगर सीट्स खाली हैं तो वहां पे अप्लाई करें। तो आज के लिए गाइज इतना काफी है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।